आइए शुरुआत करते हैं। ये इसका लिंक दिया गया है, आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो यहां से कुछ लोग YouTube पे मूव कर जाएं, YouTube पर मूव कर जाएं। राइट परमात्मा तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन उनमें सर्वोत्तम रास्ता कौन सा है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। किसने कलयुग में किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, कौन सा रास्ता सबसे इजी है। एक छोटी सी स्टोरी, एक बार कलयुग के लोगों की हालत देखकर जैसे अभी है, तो माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए आए और उन्होंने धरती को देखा और देखा कि यहाँ पर सभी दुखी हैं, सब किसी ना किसी कमी के कारण परेशान हैं, दुखी हैं, और किसी को रिश्तों की प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को धन संपत्ति की जरूरत है, कि कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी बात से परेशान है। उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ, माँ है इसलिए उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु जी के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु आप सृष्टि के पालनहार हैं और आपके होते हुए सृष्टि के लोग इतने दुखी रहे, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तो मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए कुछ कीजिए, कुछ भी ऐसा करो जो जिससे दुनिया सुखी हो जाए, जिससे दुनिया ठीक हो जाए। तो भगवान ने कहा कि ये लोग जो भी दुखी है ना, ये अपनी वजह से ही दुखी है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो चाहता हूं कि सभी सुखी रहें, लेकिन इनको कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई ये चीज, ये वो सुख वाली चीज मुझसे मांगते ही नहीं, जो मांगते हैं उन्हें दुख देती है, तो ये अपने कारण से दुखी है, इनको इनको जो है मेरी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, इनको अपनी समझ को विकसित करने की जरूरत है। माँ ने कहा नहीं, मैं तो माँ हूं, माँ का हृदय तो माँ का होता है, मुझे तो सभी सुखी चाहिए, आप बताओ कैसे कर सकते हो। भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हें जो जिसकी जो अच्छा लगता है मैं तुम्हें सारी पावर देता हूं, वैसे भी तुम मेरा हिस्सा हो, मतलब अर्धांगिनी हो, तो मेरी सारी पावर वैसे भी तुम्हारे पास है, तो मैं फिर से तुम्हें इंश्योर करता हूं कि तुम जो किसी को देना चाहोगे तुम्हारे पास संपूर्ण पावर है, जाओ और संसार के लोगों को सुखी करो। तो भगवान ने जब ये कहा तो भगवान ने तो इस चीज को प्रतीक के रूप में, एक कमंडल के रूप में दे दिया। अब इस कमंडल पकड़ा दिया, इस कमंडल में से तुम जो निकालना चाहोगे और सब मिल जाएगा, और जो बांटना बांट देना। जब वो दे रहे थे तो एक छोटी सी डिब्बी वो उसमें से निकाल के भगवान ने अपने पैरों के पास रख ली, अपने चरणों के पास रख ली, और माता लक्ष्मी को बाकी कमंडल दे दिया। सब कुछ है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। माता लक्ष्मी जो है वो बांटने गई संसार को, मतलब समझ लो एक, चाहे हाइपोथेटिकल है या जैसी भी स्टोरी है, तो बांटने लगे तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, किसी ने कहा कि मुझे धन संपत्ति चाहिए, माता ने फटाक से उसे पकड़ा दिया, किसी ने कहा मेरी इस समस्या का समाधान कर दो, तुरंत ब्लेसिंग दी और सब ठीक। उसके बाद किसी ने जो मांगा, शारीरिक पीड़ा है आशीर्वाद दिया, सब ठीक, मानसिक पीड़ा है ये दिया, ये ठीक, रिश्ते खराब है ये किया, ये सब ठीक, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी कर दी, सारी पूरी कर दी। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, सबकी हर बात पूरी कर दी, जो किसी ने मांगा, जो किसी ने कहा, माँ ने कहा कि मैं माँ हूं, मैं तो देने के लिए आई हूं, मैं तो दूंगी, मैं सबको सुखी देखना चाहती हूँ, बात बिल्कुल सही है। अब भगवान ने जब वो वापस लौट कर गए तो भगवान के पास फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु देखो मैंने जो करना था सब सबको दे दिया, मुझे लगता है सब सुखी है, सब आनंद में है। प्रभु ने कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, माँ अपने बच्चों को सब दे, बड़ी खुशी की बात है। फिर प्रभु ने कहा कि जरा एक बार फिर से नजारा देखो धरती का, क्या लगता है आपको।
जो सिचुएशन आप देखकर आए थे, अब सब कुछ, सबकी सारी बातें पूरी कर दी आपने, जो जिसने मांगा, एक मांगा एक दिया, 10 मांगा 10 दिया, जो कहा वो दिया। अब देखो क्या दुनिया सुखी हुई? आपको क्या लगता है? मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या होता है, दुनिया सुखी हुई होगी? दुनिया को खूब आनंद में आया होगा, दुनिया परिपूर्ण आनंदित होगी। बस अब तो सब मिल ही चुका है, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं जो माता ने ना दिया हो, सब दे दिया। माता ने पाया, दुनिया बिल्कुल उतनी ही दुखी है, शायद थोड़ी सी ज्यादा दुखी हो गई है। आप भी ऐसा ही पाएंगे। आप भी, अगर कभी आपके पास ये ऑप्शन हो, चाहे ये स्टोरी हो सकता है हाइपोथेटिकल लगे किसी को, लेकिन अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप सुखी हो जाएंगे? आप परम आनंदित हो जाएंगे? आपको लगता है कि अंबानी को जीवन में कोई बहुत दुख होगा, अडानी, बट बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्या इनके जीवन में सब चीजें ठीक ठाक होंगी, सब खूब आनंद होगा? जाहिर सी बात है, साधनों की कोई कमी नहीं है, जिस तरफ नजर जाती है वो चीज ही खरीद सकते हैं, ठीक है, इतनी पावर है। लेकिन अगर सुख की बात करें, तो आपको क्या लगता है कोई कितना सुखी होगा? गुरु नानक साहब जी ने ऐसे नहीं कह दिया, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। अगर कोई ऐसा भी हो जाए ना गलती से, सगल सृष्टि को राजा देख दुखिया। उन्होंने फिर अगली बात भी कही, लेकिन मैं बाद में बोलूंगा, पहले बात समझ लीजिए कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, ये तो आपको क्लियर पता है। मान लो एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात ही सोच लें, जो बाइडन, क्या लगता है आपको वो सुखी इंसान होंगे? जरा उनके पीए से पूछ के देख लो, कितने पीड़ाएं उनके शरीर को लगी हुई है, आप हैरान हो जाओगे। आपको लगता है इससे तो हमारे गली का जो सिंपल एक भाड़े का जो मजदूर है ना, जो थोड़ी दो 400 रुपए कमाता है, वो पता नहीं कितना सुखी होगा शरीर के मामले में। उनको जो जो तकलीफें हैं वो वही जानते हैं। तो किसी के दिल की फ्लोर के मत देखो, निकाल के मत देखो। कोई तो तन से दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। ऐसे नहीं संतों ने कह दिया कि कोई तो तन से दुखी, कोई चित उदास, सबको कोई ना कोई परेशानी ने पकड़ रखा है, ऐसा पकड़ रखा है उसे बाहर नहीं आ जाते। माता ने जब सबकी सारी बातें पूरी कर दी, माता लक्ष्मी ने, अब कहा अब तो दुनिया सुखी हो ही गई होगी, डेफिनेटली होगी होगी, क्योंकि अब तो मैंने सबको सब कुछ दे दिया है, सब सुखी हो गए। लेकिन दुनिया उतनी ही दुखी थी, शायद उससे भी ज्यादा दुखी थी। आप बोलोगे ये कैसे, आप बोलोगे ये कैसे, सारी समस्याओं का समाधान होने का, फिर भी माता को समझ आया कि बात कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उनको याद आया कि जब मैं एक कमंडल, भगवान ने मुझे निकाल कर दिया, तो एक छोटी सी डब्बी उसमें से निकाल कर अपने चरणों के पास रख ली थी, हो ना हो कुछ सीक्रेट है उसके अंदर, कुछ तो बात है जिसके कारण ये दुनिया सुखी नहीं हो पाई, मुझे लगता है उसी में कुछ ऐसी चीज है। उन्होंने भगवान से विनती करी कि प्रभु, वो जो आपने चीज को छुपा के अपने चरणों के पास रख लिया था, जरा वो भी आने दो, कुछ तो आपने गड़बड़ करी है। मैंने तो सबकी सारी बातें पूरी कर दी, लेकिन सुखी तो कोई नहीं हुआ, दुख उतना या शायद उससे भी ज्यादा हो गया। भगवान मुस्कुराए, भगवान कहते हैं ये जो चीज हमने रखी है ना, बस यही एक वो सीक्रेट है, अगर बात समझ में आ जाए तो इंसान परम आनंदित हो जाए, इसे पाकर परम आनंदित हो जाए। क्या था वो सीक्रेट, क्या था वो सीक्रेट? वो सीक्रेट था भगवान की प्रेममयी भक्ति। भगवान ने सिर्फ उस भक्ति को अपने पास रख लिया और बाकी सब दे दिया, सब दे दिया, जिसने जो मांगा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, लेकिन एक भक्ति को अपने चरणों के पास रख लिया। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, एक भक्ति भगवान की जेहि प्राणी के नाही मन, एक भक्ति भगवान की जेहि प्राणी के नाही मन, नानक सूकर स्वान ज्यो, जैसे सूकर स्वान ज्यो नानक मानो ताही तन। उस व्यक्ति का शरीर ऐसा है जैसे सूअर का शरीर हो, जैसे कुत्ते का शरीर हो। अब बात बड़ी बुरी लगेगी, किसी को भी चोट लग सकती है इस बात को सुन के, क्योंकि गुरु नानक साहब जैसी महान हस्ती जब कुछ कहते हैं तो ऐसे नहीं बोल देते, वो चाहते हैं कि आपको अंदर तक चोट लगे, वो चाहते हैं कि हम उसको सुनकर कुछ जाग जाए। शायद हम उसको गाली कहें इस बात को कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको लगे,
ताकि हम उसको जान सके। कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। सबकी सारी बातें पूरी कर देने के बाद भी सुखी नहीं हुआ तो सारा सुख उसी चीज के अंदर से था जो छुपा लिया गया। एक भक्ति भगवान की, जो उन्होंने कह दिया भगवान मेरे सदगुरुदेव भगवान जी श्री परमहंस महाराज जी ने कितनी बार फरमाया, प्रभु फरमाते हैं कि जो भगवान की भक्ति है वो इक्का है, एक है, बाकी आपके अंदर सारे गुण हो ना वो जीरो है, वो जीरो है। एक जीरो लगी हो, आप गुणवान है एक जीरो लगी, आप धनवान है दूसरी जीरो लगी, आपके रिश्ते अच्छे हैं तीसरी जीरो लगी, आपके पास ज्ञान है चौथी जीरो लगी, आप ध्यान करते हैं आप संसार में दान पुण्य करते हैं पांचवी जीरो लगी। जीरो के आगे कितनी भी जीरो लगा लो कोई वैल्यू है, कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। बस एक इक्का अगर आगे लगा हो, एक इक्का अगर आगे लगा हो तो जो भी लगाया जाएगा, जो भी जितनी भी जीरो लगेंगी उस एक की वैल्यू को 10-10 गुना बढ़ाती चली जाएंगी। ठीक है, बात समझ लीजिए। जी है भक्ति, परमात्मा का प्यार, क्योंकि वो इक्का है, वो एक चीज मिल जाए बस, वो एक साथ हो तो हर चीज के अंदर गुणवत्ता आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, प्रेम आ जाता है। परमात्मा से उस प्रेम में भक्ति की मांग कर लेना, मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं, आपके साए में जो गुजरे दिन उस घड़ी पल का इंतजार करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रामचरितमानस में अपनी उस प्रेममयी भक्ति की बात करते हैं कि नाथ भक्ति सुखदायिनी, देह कृपा कर अनपायनी। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देह कृपा कर अनपायनी। ये भगवान जो विष्णु जी वो श्री राम बनकर आए हैं इस धरती पर अवतार बनके, और यही बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि सुन प्रभु परम सरल कपिवाणी, एवमस्तु तब कहूं भवानी। ये हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देह कृपा कर अनपायनी। हनुमान जी के पास कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन परमात्मा के सामने वो भी एक भक्त बन जाते हैं और मांगते हैं। वाह, क्या मांगा उन्होंने, मांगने वाली चीज भी अनुपम मांगी। उन्होंने कहा नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, मांग लिया। भक्ति मतलब क्या? लगातार याद, लगातार दिल में प्रेम, परमात्मा का प्रेम मांगा। सुन प्रभु परम सरल कपिवाणी, एवं अस्तु तव कहो हो भवानी। ऐसा ही होगा, ये भगवान ने बड़े प्यार से फरमाया, ऐसा ही होगा। उससे पहले हनुमान जी को सीता माता की कृपा मिल चुकी थी, माता सीता से जाकर हनुमान जी बड़े प्यार से ये प्रार्थना कर चुके थे और वो वरदान मांग चुके थे, राइट? तो वो सब उनको दे दिया माने, लेकिन यहां जो मांगने आए भगवान के चरणों में वो प्रेम भक्ति मांगने के लिए आए। जरा हम भी मांग लिया करें, हम भी परमात्मा के चरणों में, अपने सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में वही उत्तम से उत्तम दात मांग लिया करें। ये भक्ति दान मोह दीजिए। आइए गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट के चरणों में, जहां आपके मन के भाव। ये भक्ति दान मोह दीजिए, गुरु देवन के दे और नहीं कछु चाहिए, और नहीं कछु चाहिए, निश्चिन तुमरी से। हे प्रभु, मुझे अपनी प्रेममयी आनंदमयी सरल भक्ति का ही वरदान दीजिए, और नहीं कछु चाहिए, निश्चिन तुमरी से। मैं क्या मांगता हूं आपसे? आपकी सेवा मांगता हूं, आपका प्यार मांगता हूं, आपकी भक्ति मांगता हूं। आपको लगेगा इतनी सिंपल सी बात, बस भक्ति। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं भक्ति को बस ऐसे ही गिन लेते हैं। इसकी जगह पर मैंने कहा होता आपको 9 निधियां दी जा रही हैं, आपको आपको अष्ट सिद्धि दी जा रही है, 9 निधि दी जा रही है,
आपको फलानी फलानी वरदान दिया जा रहा है, आप गायब हो सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप फलाना हो सकते हो, आप भीमका हो सकते हो, ऐसे अनेक तरह के आपको वरदान दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है आप बहुत खुश हो जाते हैं? आपको क्या लगता है? बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंद मिल जाता, बड़ा आनंद मिल जाता। गुरु नानक साहब जी अपनी पवित्र वाणी में बड़े प्यार से समझाते हैं, फरमाते हैं, मोती ता मंदर उसरे रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूरी कुंग अंगर चंदन लेप चावे आवे चाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ, हर बिन जियो बल बल जाओ। कहते हैं कि चाहे मेरे पास इतनी धन दौलत हो, इतना राज्य हो, इतनी पावर हो, इतनी ताकत हो कि चारों तरफ दास दासियां बैठी हो, बड़े बड़े महल हो, पता नहीं कितनी कोई संसार की सुख सुविधा ऐसी ना हो जो मेरे पास ना हो। फरमाते हैं, हीरे ता धरती ता हीरे लाल जड़ती पलग लाल जड़ाओ, मोहिनी मुख मणि सोहे कर रंग पासाओ, मत देख भूला वीसरे तेरा चित ना आवे ना हो, ऐसा ना हो हे प्रभु इन सारी चीजों के होते हुए मैं तुझे भूल ना जाऊं कि मुझे तेरा नाम भी चित में दिल में ना आए। हे प्रभु कभी ऐसा ना कर देना, कभी ऐसा ना कर देना कि मुझे आपकी याद ना आए, मुझे आपकी याद ना आए, क्योंकि तेरी याद से मेरा हृदय आबाद है, तेरी याद वो परम पावर पावर ताकत है जिसके कारण मैं जीवित हूं, जिसके कारण मेरे मेरे अंदर आनंद है। हे प्रभु मुझे अपनी उसी प्रेममय भक्ति का ही दान दे। कभी आप भी मांगते हैं परमात्मा से वही प्रेममय भक्ति, वही आनंदमय भक्ति की मांग होती है दिल से, जरा मांग लिया करें, कह दिया करें कि चाह अपनी है प्रेमा भक्ति की, मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं, आपके साये में जो गुजरे दिन उस खड़ी पल का इंतजार करूं। धन्य है वो लोग जिन्होंने प्यार मांगा है परमात्मा का, क्योंकि वो सदा सदा आनंदित रहते हैं, वो खुद भी आनंदित रहते हैं, वो इस संसार को आनंद बांटते हैं। उन्होंने मांग इतनी ऊंची रखी है, मांग लेना, मांग लेना, इसी मांग को मांगने के लिए हनुमान जी ने हमें सीख दिया। हनुमान जी के पास कम नहीं है, हनुमान जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो सगल विद्याएं सिद्धियां उनके आसपास घूमती है, लेकिन वो भी प्रभु के चरणों में भक्ति की मांग कर रहे हैं। महामानव है हनुमान जी, महामानव, अगर मानव है तो महामानव है और देवों के देव है, वो महाशक्ति है, लेकिन वो भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दीजिए नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, वो दीजिए प्रभु वो दीजिए। हम हनुमान जी के चरणों में जाकर क्या क्या मांगते हैं पता नहीं क्या क्या लोग मांग आते हैं। आप सोच के देखिए हनुमान जी को क्या क्या डिमांड आप अपने जाकर मांगते हैं परमात्मा के चरणों में। लोग परमात्मा को, कबीर साहब फरमाते हैं, लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने राम को खिलौना बना रखा है, बस किसी तरीके से कोई आए तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। पुराने टाइम में एक रुपया बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, भाई बेटा दे दे सुई से रुपया ले ले, या भगवान को रिश्वत देना तो हमारे लिए बड़ी कॉमन सी बात है, हमें लगता है कि प्रभु बस ये थोड़ा सा ले दे के मामला निपटा लो जरा, जैसे बाहर सारे संसार में चल जाता है जो करप्शन चल जाता है, तो ये सोचते हैं भगवान को भी ऐसे टपका दिया जाए बड़े प्यार से कि चलो पकड़ लो थोड़ा सा, चलो थोड़े लड्डुओं में मान जाएंगे, अच्छा लड्डुओं में नहीं मानेंगे तो चलो प्रसाद चढ़ा देंगे, बड़ा चढ़ा देंगे, कुछ बड़ा थाल चढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य कर देंगे, मंदिर में कुछ टाइले वाइले लगवा देंगे, चलो मंदिर बनवा देंगे, इससे बड़ी से बड़ी क्या बात हो सकती है, चलो दर पर आ जाएंगे परिवार समेत। लोगों को लगता है लोगन राम खिलो ना जाना, तो मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है, वो ना मानता, इन सारी बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अच्छे से समझ लेना, उसे फर्क पड़ता है आपके प्रेम से, आपकी भक्ति से। अगर अपने 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 घर का एक सिंपल सा डॉगी भी आपके प्रेम का भूखा होता है, आप प्रेम से जस्ट ऐसे रोटी का टुकड़ा ना ऐसे गिरा देना, यूजली द डॉग विल नेवर एक्सेप्ट इट, नो। थोड़ा प्यार से वो आपके लाड़ के आगे, प्यार के आगे दुम हिलाएगा। तो प्यार सीखना है, सारे संसार को बांधने वाली अगर कोई ताकत है तो वो प्रेम भक्ति है, वो प्रेम भक्ति है।
मेरे सदगुरुदेव भगवान जी श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी एक बार अपने वचनों में उन्होंने फरमाया था, फरमाते हैं कि तुम अगर भक्ति करने और न करने में थोड़ा सा फर्क होता ना, लाखों करोड़ों का भी होता ना, हम तुम्हें कभी ना कहते भक्ति करने को। ये फर्क लाखों करोड़ों का भी नहीं है, ये अरबों खरबों का भी नहीं है, ये फर्क ऐसा है कि एक बार जो चांस मिला, एक बार ये गोल्डन चांस तुम्हारे हाथ से गया, तो फिर ते परत दुख पावही सिर दुन दुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर वो सिर धुन धुन के पछताते हैं, हाय मैंने ये हीरा जन्म गवा दिया, ये हीरा जन्म गवा दिया। ते परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे तो कर्म ही ऐसे थे, किस्मत ही ऐसी थी, मैं कहां से सिमरण करता, मैं कहां से भक्ति करता, सारा दिन धंधों में लग रहा करते थे, काम धंधे में, परिवार इतना बड़ा था, मैं क्या करता। ते परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, कहते याद कर लेना इस बात को, जितना भी तुमने पाया होगा सबके ऊपर क्रॉस लगा दिया जाएगा, कांटा लग जाएगा, ऐसे क्या पाया, लानते भेजी जाएंगी, फिर लानते भेजी जाएंगी, फिर क्या किया और क्या ना पाया। गुरु नानक साहब जी ने इतना तक फरमा दिया, कहते अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी ज्ञानी धनवंत, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सुंदर भी हो, कुलीन हो, ऊंचे कुल वाला भी हो, मुखी हो, बोलने में बस वाह वाह कर दे, बोलने लगे तो दुनिया उसके आगे आगे नतमस्तक हो जाए, चतुर हो, मुखी हो, ज्ञानी हो, धनवान भी हो, ऊंचे कुल वाला भी हो, ज्ञानी भी हो, धनवान भी हो, कहते मृतक कहिए नानका ये प्रीत नहीं भगवंत, उसे मरा हुआ जानना चाहिए अगर उसके दिल में परमात्मा का प्यार नहीं है। आपके दिल में है, जरा टटोल के देख लेना खुद को, जिस दिन तुम्हारा रोआ रोआ परमात्मा को मांगे, जिस दिन रोआ रोआ बस एक ही बात कहे कि मुझे वो चाहिए, तब समझ लेना वो मिल जाएगा। कोई व्यक्ति गया सुकरात के पास ये पूछने के लिए, परमात्मा को आपने कैसे पाया, इसका उदाहरण अलग अलग संतों के साथ दिया जाता है, सुकरात के साथ भी हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी हुआ था ऐसी कोई घटना। कोई व्यक्ति जाकर कि आप पल पल जो भगवान को सामने सामने देखते हो, फील करते हो हर समय, अच्छा मुझे भी भगवान का साक्षात्कार करा दो, जरूर जरूर जरूर। ये स्वामी विवेकानंद अपने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, वहां का उस समय का इंसिडेंस है। तो उन्होंने कहा कि आप तो लगातार देखते हो, जानते हो भगवान को, राइट, आप तो भगवान को मानते हो, जानते हो, जरा मेरा भी साक्षात्कार करा दो। तो उन्होंने कहा कि जरूर, कब देखना है, आज तक स्वामी विवेकानंद को किसी ने नहीं बोला था कब देखना है, अभी अभी कराऊं, अभी कराऊं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम मतलब आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मैं तो सवाल करूंगा, ठीक है लोग और सारे, क्योंकि सब किसी ने किए तो है नहीं, सब गोलमोल कर देते हैं बातों को, हाँ 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 एक दिन हो जाएगा, करते करते एक दिन, उन्होंने कहा अभी कराऊं, अब हालत खराब है, ऐसे नहीं। फाइनली उदाहरण दिया जाता है इस तरीके से कि जब तक उन्होंने उदाहरण दिया, जब वो नहाने लगे तो कहते हैं ऐसा कि जैसे सिर को उनको पानी में लेकर गए, चलो तुम्हें दिखाता हूं परमात्मा को कैसे पाया जाता है, डुबकी लगाई तो उनका सिर पकड़ के नीचे ही कर दिया, अब काफी देर तक नीचे किए रखा, जब बिल्कुल रोआ रोआ अंदर से चीख चीख के कहे श्वास चाहिए, श्वास चाहिए, श्वास लेनी है, श्वास लेनी है, ऑक्सीजन चाहिए फेफड़ों के अंदर, तब बाहर निकाला, कहा क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हारा रोम रोम क्या मांग रहा था। उन्होंने कहा एक ही चीज कि किसी तरीके से श्वास हवा मिल जाए, कहते बस जिस दिन तुम्हारा रोम रोम परमात्मा को मांगने लगेगा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो दूर थोड़ी है, वो तुम्हारा अपना ही आपा है, अंतरतम है, मांग लेना जरा अपने ही भीतर, अपने ही भीतर मांग लेना उस परमात्मा से, दूर कहाँ है वो, किसने कह दिया कि वो दूर बैठा हुआ है, लोगों ने कुछ भी मांग रखा होगा, लेकिन हम अपने दिल की बात करते हैं। एक बार मैं फिर वही गजल दोहराता हूं, ना सुकून दिल की आरजू, ना किसी अजल की तलाश है, तेरी जुस्तजू में जो खो गई मुझे उसी नजर की तलाश है, धन्य है वो निगाहें जो उस प्यारे को देखती हैं।
जिन्होंने अपने हृदय में उसे धारण किया, पहले आपके भीतर प्रकट होगा और फिर कण कण में नजर आएगा। याद रखना, पहले आपके भीतर प्रकट होगा, इसको यहां जानना, और प्रेम के रूप में प्रकट होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। सब जगह समान रूप से व्यापक है, पर मैंने तो नहीं देखा, आपने तो नहीं देखा, वो प्रेम के रूप में ही प्रकट होगा। जो नेत्रों से कभी आंसू बहने लगते हैं ना, कभी वो हृदय छलक आता है ना, तो यही परमात्मा है। और जरूरी नहीं कि वो हाथ चार हाथ पैर लेकर आपके सामने प्रकट होगा और कहेगा बोल वत्स क्या चाहिए, जरूरी नहीं। वो जो आंसू बह रहे हैं प्रेम के, मान लेना कि परमात्मा प्रकट हो गया। वो कभी हृदय के अंदर, कभी हृदय के अंदर जो पुलक उठती है, मान लेना परमात्मा प्रकट हो गया। जिसे तू कहीं भी ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिर इसका मलाल क्या, ये नजर नजर की तलाश है। जिसने जो मांगा उसको मिला। लोग मेरे से कई बार पूछते हैं, आपको तो माइंड पावर की सारी टेक्निक आती है, आपको तो सारी इतनी सारी टेक्निक्स आती है, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ अमीर इंसान क्यों नहीं है? मैंने मांगा ही नहीं, मैं क्यों मांगू? मेरी मांग ही नहीं है वो, मेरी मांग डिफरेंट है। मांग अपनी है प्रेम भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं, आपके साए में जो गुजरे दिन, उस घड़ी पल का इंतजार करूं। मांग अपनी है प्रेम भक्ति की, हमारी तो मांग ही यही है। और एक बार नहीं, युग युग पैदा होऊंगा और युग युग यही मांग मांगूंगा, युग युग पैदा होऊंगा और ये बार बार यही मांग होगी। तो मांग लिया, बात समझ में आ गई। एक बात कहा, 10 बार कहा, 100 बार कहा, 1000 बार कहा, आपकी समझ में आई है कि नहीं आई? जब भी और 10-20-50 जन्म भटकना है फिर समझोगे इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने पैसा मांगा वो गलत मांगा, मांगो जिसकी जो इच्छा हो मांगो, लेकिन कोई ये कह दे कि मैंने पैसा मांगू और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। ये ध्यान रखना, आनंद अगर कभी आएगा जीवन में तो वो भक्ति में आएगा। इस बात को हृदय से पकड़ लेना अच्छे से। मुक्ति अगर मिलेगी, मुक्ति दासी है भक्ति की, मेरे गुरु महाराज फरमाते हैं, मुक्ति दासी है, पीछे पीछे चली आती है। मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में भक्त जो है ना, जाकर उसने प्रार्थना करी, स्वामी जी गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर करबद्ध खड़ा हुआ प्रार्थना करता है, प्रभु जी मुझे भक्ति भी दो, मुझे मुक्ति भी दो, भक्ति भी दो, मुक्ति भी दो। मेरे सदगुरुदेव भगवान बड़े प्यार से मुस्कुरा के फरमाते हैं, महात्मा जी देख कितना चलाक है, दो दो चीजें मांगता है, दो दो चीजें। इन्हें पता नहीं ऐसी स्कीम चलाई हुई है, इन्हें पता नहीं सारी स्कीम चलाई है, इन्हें आपको एक चीज मांग ला। पंजाबी में फरमाते हैं गुरुदेव कि हमने तो एक स्कीम चला रखी है, स्कीम क्या है, एक के साथ एक फ्री, तुम भक्ति मांगो और भक्ति के साथ मुक्ति फ्री। और यही नहीं, मुक्ति फ्री, मेरे गुरु महाराज जी ने यहां तक फरमाया प्रेमी के मैं कर बिकूं, प्रेमी के हाथ में बिक जाता हूं, प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मोल। मेरे गुरु महाराज फरमाया चार मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल, में चार मुक्तियां, सालोक्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये चार मुक्तियां ब्याज में पकड़ा देता हूं, लेकिन अपने प्रेमी का मैं मूल नहीं चुका सकता। और मैं अपने प्रेमी का कर्जदार बना रहता हूं और मेरा प्रेमी मेरा कर्जदार बना रहता है, और ये प्रेम का सिलसिला युग युग चलता रहता है। बस इसी प्रेम की खातिर बार बार इस धरती पर आना भी मंजूर कर लेता है। वो कहता है मैं तू जहां तू बसता है, हम अपने गुरु महाराज जी से यही कहते हैं, जब वो कहते हैं ना धरती पर दोबारा आना है, हम कहते हैं अगर आप आओगे तो आपके साथ कहीं भी चलेंगे, आप नरकों में भी जाओगे तो हम आपके पीछे हैं। और मजे की बात, जहां मेरे सदगुरु प्रीतम भगवान वास करें वो नरक कैसा, इंसान को जहां पर अपना प्रेम का जो जिस प्रीतम भगवान को मांगा, जिसके कारण ये सारा ब्रह्मांड सुखी है, जिसके एक चरण
कि एक धूल भी पड़ जाती है तो वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो जहां चरण पड़ेंगे वो नरक नरक रह जाएगा क्या? भक्त बड़े चलाक होते हैं, तो कहते हैं भक्त बोले होते हैं, भक्त बड़े चलाक होते हैं, उन्होंने मांग ली उसी को लिया, उनकी आखिरी चीज मांग ली उन्होंने, आखिरी चीज मांग ली उन्होंने। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था, राजा ने किसी बात पर उनके घर में जैसे संतान पैदा हुई लंबे समय के बाद, उन्होंने कहा कि ऐसा करो सारे दरबार में मुनादी करवा दो, एक बाजार लगा दो, उसमें जो चीजें रखी जा सकते हैं सब रखो, जिसकी जो मांग है एक दिन के लिए मैं सारी चीजें खोल देता हूं, पर जिसको जो जिसके हाथ में आता है वो ले जाए। तो अब जिस दिन बाजार लगाना था तो हर चीज वहां पर उपलब्ध है, जो भी हो सकती थी खान पीना ये वो जो जिसको चाहिए भाई ले जाओ, सब फ्री है राजा की तरफ से। और खुद राजा एक सिंहासन पर चढ़कर बैठ गया और देखता है लोग क्या क्या लेकर जा रहे हैं, लोग क्या क्या लेकर जा रहे हैं, सबने अपना अपना जो जिसको हाथ में था सोना चांदी ये वो, जो जिसके पास किसको मिठाइयां चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसको अन्न चाहिए, किसी को गऊ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब लेकर गए। छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भीड़ को इधर करता है उधर करता है, सब लगे हुए हैं अपनी टटोलने में इधर इकट्ठा करने में, सर एक छोटा सा बच्चा कभी इसको इसको हटा रहा है उसको हटा रहा है, कभी इसके नीचे आ रहा है कभी उसके नीचे आ रहा है, सबसे बचता बचाता जैसे तैसे तैसे वो देख रहा है, राजा को देखता देखता वो देखता रहता है। तो फिर राजा से पूछता है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं सब इनमें से कुछ भी ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कुछ भी ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे को बात समझ में आ गई, वो फटाफट सारे सबको हटाता हुआ पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ के जहां राजा सिंहासन पर बैठा हुआ सब पकड़ लिया राजा को, कहता जी मैंने तो आपको पकड़ लिया, आप मेरे हो गए। तो बड़ा चलाक निकला यार तू, तो कमाल है, तो राजा को पकड़ लिया, कहता आप मेरे हो गए, आप मेरे हो गए। अब आप हो गए तो फिर क्या, फिर मुझे की सारी चीजें किसकी हुई, फिर ये सब किसकी हुई, फिर मेरी होगी डिफॉल्ट। वो तो बड़ा चलाक है बच्चा छोटा, लेकिन उसकी समझ इतनी ऊंची। राजा ने कहा सैल्यूट है तेरे ज्ञान को, और ये बच्चे को राजा ने फिर अडॉप्ट कर लिया और एक दिन ये बच्चा राजा बन गया। बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। परमात्मा हमें पूरा साम्राज्य ही देना चाहता है, बड़ी तुच्छ सी चीजें मांग मांग कर अपनी औकात उसके सामने प्रकट कर देते हैं, क्योंकि जिसके पास जो है जिसकी समझ इतनी जितनी वही तो मांगेगा, दे 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 बच्चे दे दे छोटू ये कर दे शादी करवा दे फलाना दे दे ढिमक दे दे सोना दे दे चांदी दे दे महल माड़ियां खड़े कर दे कर दे वो कर दे ये बीमारी दूर कर दे वो बीमारी। भगवान कहे चलो सब कर दिया फिर क्या, सो व्हाट नेक्स्ट, सुखी हो गया चलो सारी तेरी तकलीफें दूर कर, सुखी हो गया सगल सृष्टि को राजा दुखिया, गुरु नानक साहब जी ने पहले डिक्लेयर कर दिया, तो हर का नाम जपत होए सुखिया, अगर सुखी होगा कभी तो हर का नाम जपत होए सुखिया, अगर सुखी होगा तो केवल परमात्मा का नाम जपने से सुखी होगा। हरे नाम है हरे नाम है हरे नाम है कलो कलो नास्त्येवम नास्त्येवम नास्तिर गतिर अन्यथा, इस कलयुग में केवल परमात्मा का नाम केवल परमात्मा का नाम केवल परमात्मा का नाम ही अंतिम सत्य है, उसके बिना गति नहीं है नहीं है नहीं है, ये त्रिसत्य है। इसको नोट कर लो, समझ लो हृदय के अंदर, जैसे तैसे बात को पकड़ते हो पकड़ लो, लेकिन ये बात समझ लेना परमात्मा के नाम के बिना ना कोई सुखी हुआ है ना कोई सुखी हो सकता है। इसलिए जो लोग हमारे पास आते हैं, मैं तो बार बार बोलता हूं कि भाई सारी बातें ठीक है, आप हमसे कुछ सीखने आए हो, आप रेकी सीख रहे हो, आप लामा फेरा सीख रहे हो, आप एंजल सीख रहे हो, आप हिप्नोसिस सीख रहे हो, आप थर्ड आई कर रहे हो, लेकिन फाइनली एक चीज मांग लेना और वो है सच्ची भक्ति। आप यहाँ भक्ति सीखने के लिए भेजे गए हो, मेरे गुरु महाराज भक्ति के भंडारी है, मैं सिर्फ उनका छोटा सा तुच्छ सा बच्चा हूं, और जो उनकी बात कह रहे हैं नानक दास बुलाया बोले, वो बोलता है तो इस पुतले में जान आती है, नहीं तो ये निढाल पड़ा होता है, इसकी कोई औकात नहीं एक शब्द भी इसके मुंह से निकल जाए, वो बुलवाता है तो फिर मुंह से शब्द निकलते हैं, माइक उसके पास है तो स्पीकर है बोलने वाला, इसकी अपनी कोई औकात नहीं ना कोई समझ, जो दे रहा है वो बैठा हुआ है पीछे। तो देख लेना, जब भी देख लेना हृदय के अंदर, जान लेना कि बस भक्ति भक्ति और भक्ति ही मांगना,
सुबह शाम अपने इष्ट के सामने खड़ा झोली अड़ के कह देना, बादात मांग लेना अपने प्रीतम भगवान के साथ। क्या मांग लेना, क्या मांग लेना, उसी को मांग लेना जो छोटे बच्चे ने किया था, वो सबसे उत्तम चीज है, पकड़ लिया उसको। और तू मेरा हो जा बस, तेरे एक के साथ नहीं रहा, तू मेरा हो गया तो सारा संसार भी तो तू ही है, सब कुछ तू है, तू है मेरे प्यारे, तेरे सिवा और है क्या, तेरी कुदरत पे बल जाए जियो, जब सबके अंदर हुई तू ही समाया हुआ है, तो तुझे क्यों ना मांग ले, तुझे क्यों ना मांग ले। तो सच्ची चीज मांग ली जिसने, धन्य 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 भाग हो जाएंगे। एक दिन सल्यूट करेगी ये सारी दुनिया, युग युग आपकी जय जयकार होगी। अगर भक्ति मांग ली तो याद रखना, बात छोटी नहीं है, युग युग जय जयकार होगी, जैसे हनुमान जी की होती है। बाकी सबको तो आप शायद जानते हो कि नहीं जानते, हनुमान जी को तो फिर भी परिचय होता है ना, हनुमान जी सदा सदा अमर हैं और रहेंगे। क्या मांगा उन्होंने, कभी देखा कि संसार की चीजों को भगवान के चरणों में, अभी मैंने आपको कोई कौन सी वाणी सुनवाई है, कहती बात एक ही चीज मांगे ना, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देह कृपा कर अनपायिनी, सुन प्रभु परम सरल कपि वाणी, एवं अस्तु तब कहो भवानी। ऐसा ही कह दिया, तेरी बात पूरी कर दी, क्योंकि मांग तूने कितनी बड़ी रखी है। मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करो, मांग लेना उस प्यारे से, धन्य भाग मना लेना, धन्य भाग मना लेना कि हमने वो सच्ची चीज पाई है। कह देना प्यार से कि मैं पाया सतगुरु, मैं पाया आनंद भयो मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, ऐसा सतगुरु पाया जिसने सारा ज्ञान पे सारा ध्यान सारा प्रेम मेरे हृदय में उड़ेल दिया। उसे क्या मांगे फिर, सच्ची मांग, मांग लेना। भाग जगे हैं जो ये जीवन मिल गया है, समझ आ गई है ना, ऐसे बार बार ये जीवन मिलेगा ना, मन में ये प्यास पैदा होगी ना, ऐसे टीचर्स मिलेंगे ना, समझाने का साधन बनेगा, हर बार नहीं होगा ये। अगर अब से और 150 साल आगे चले जाओ ना, तो हालत और खराब होती जाएगी, घोर कलयुग की तरफ चीजें जा रही हैं, याद रखना अभी भी कलयुग पूरा शुरू नहीं हुआ है। हालांकि 5000 साल के करीब हो गए, लेकिन 10000 साल तक लगभग अभी कलयुग का गोल्डन टाइम चलता है, स्टार्टिंग टाइम है ये, अभी टोटल 4,32,000 सालों का है कलयुग, अब तो सिर्फ इनिशियल फेज है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग पे, अभी भी लोगों की भक्ति और प्रेम में रुचि है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और भयंकर से भयंकर, भयंकर से भयंकर टाइम आता चला जाएगा। फिर क्या मांग लोगे तब, जब यहाँ खाने के लाले पड़े होंगे तब क्या आपके मुंह से भक्ति निकलेगी। अभी कल्याण कर लो, यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, कट लो यहां से फटाफट, मुक्त होकर भाग जाओ फटाफट, मुक्त होकर भाग जाओ, दोबारा आने की जरूरत नहीं, आगे और दुख मिलेंगे, आगे और दुख। भविष्य पुराण में सारी बातें लिखी हुई, कभी सुनाएंगे आपको ये बातें कि क्या क्या होगा आगे घोर कलयुग के अंदर, सब होगा, लेकिन क्या अभी क्या फायदा उस बात का जान के, क्या कर लेंगे, अभी जो समय है इसको सफल करो। सारी बातें अपनी जगह पर ठीक, लेकिन भक्ति सर्वोपरि। तो जिसने परमात्मा की भक्ति को मांग लिया, उसने सब कुछ मांग लिया। तो इसलिए इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से दिल के अंदर, दिल को अंदर बिठा ले कि बस एक ही बात अपने अंदर के बिठा ले कि मुझे प्रेममयी भक्ति परमात्मा के चाहिए, चाहिए और चाहिए। बस इसी प्रकार हृदय के अंदर ये प्रेम बस जाए तो आपका इस संसार में आना भी सफल हो जाएगा, संसार से जाना भी सफल हो जाएगा। एक बात बता दूं आपको कि संसार से जाते हुए जिन देवी देवताओं के आगे आप नतमस्तक होते हो ना, ये देवी देवता आकर आपका सम्मान करते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि आपने धरती पर आकर वो महान कार्य किया जिसके कारण देवी देवताओं को भी आपके स्वागत में फूल लेकर खड़े होते हैं, आपके स्वागत में कहते, उस तरीके से जब तुम जाओगे तो क्या वो सम्मान होगा कि तेरे चरणों में सिर होगा, कजा सर पर खड़ी होगी, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी परमात्मा के, अपने गुरु के इष्ट के चरणों में वो आखिरी समय बीतेगा। लेकिन उससे पहले अपने आप को भक्ति कर करके उसके साथ लीन कर लेना है, उसके प्रेम में डुबकी मारो, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, एक दिन सब सुलझ जाएंगी, अगर आपने फाइनल टास्क पूरा कर लिया तो। और वो है
कि परमात्मा के चरणों में अल्टीमेटली लीन हो जाए, बाकी सब चीजों के ऊपर टिक लगा दिया जाएगा, सब सारी क्लासेस पास होगी, अगर फाइनली क्लास के अंदर पास हो गए तो सब किया जो किया सबके ऊपर थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, राइट। तो चलिए धन्यवाद अदा करते हैं और अपने प्रभु अपने इष्ट भगवान से यही मांग करते हैं कि मेरे दिल में सदैव आपका प्यार बना रहे, आप हमेशा मेरे अंग संग रहें, हे परमात्मा हे गुरुदेव मुझे अपनी उसी प्रेममय भक्ति का दान दीजिए, मेरे अंतर हृदय में आपका प्यार हमेशा बसा रहे, मेरा मन सदैव आपके श्री चरण कमलों से जुड़ा रहे, मेरी आंखें सदैव सजल रहें, आपके प्रेम की प्यासी रहें, मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूं, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुरु, मांगना प्रेम। धन्य धन्य भाग जगे हैं जो ऐसा मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है, आइए अपना कल्याण करते हैं इसी बात के साथ, इसी दात के साथ, अपने गुरु महाराज जी की पवित्र प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सत्र को अभी हम इसको हम सत्र को वहां पर YouTube पर अभी इसको समाप्त करते हैं और अभी यहाँ पर चालू रखेंगे, राइट। जो भजन मुझे सर्वप्रिय है ये एक बार साथ में प्ले कर दे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करें, नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, नजर चाहती है दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तेरे श्री चरणों के पास जब आए मसीलाही में दिल झूम जाए, तेरे श्री चरणों के पास जब ही मिले बस प्यार तुम्हारा, इसे अपनी खुश किस्मत कहेंगे, सदा ही मिले बस प्यार तुम्हारा, इसे अपनी खुश किस्मत कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस सत्र को अभी हम यूट्यूब पे फिनिश कर रहे हैं, यूट्यूब वाले अगर चाहें तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लें, जूम मीटिंग में अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, यूट्यूब वाले जूम मीटिंग में आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, इसी के नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो जरूर इसमें ज्वाइन कर लें। अभी हम इस पे थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ पर अभी हमारे पास थोड़ा समय है, राइट। जिसको भी ज्वाइन करना हो प्लीज इसी के नीचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो, राइट। वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग नए थे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, सभी वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग यहां पे भी हैं एक बार ये भी जूम वाले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, राइट। शिफ्ट हो जाएं, जो लोग यूट्यूब से जूम पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं अभी,
हम थोड़ी देर इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. जूम पर अभी से फिनिश, यूट्यूब पर इसे फिनिश कर रहे हैं.